धोनी रिव्यू सिस्टम के आगे अंपायर फिर से हुए हैं फेल। सूर्य कुमार यादव के उड़ गए हैं होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है, पूरी अपडेट दिखाएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों IPL से जुड़े हर छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो बढ़ते आगे और देखते हैं आज क्या पूरी अपडेट। दोस्तों IPL 2023 के 12वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग टीम और मुंबई इंडियंस के बीच यह मैच खेला गया, जिसमें से पहले बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई सुपर किंग टीम के लिए 158 रनों का लक्ष्य रखा। हालांकि इस स्कोर तक पहुंचने में भी मुंबई के लोअर ऑर्डर ने अहम भूमिका निभाई। मुंबई अपने घर में ही खेल रही थी तो फैंस को सूर्य कुमार यादव से भी काफी उम्मीद थे, लेकिन इस मैच में भी वो फ्लॉप रहे। हालांकि जिस तरह से वो आउट हुए वो नजारा देखने लायक था। दोस्तों ये नजारा मिचेल फ्रेंटल द्वारा डाले गए 8वें ओवर में देखने को मिला, जब सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में दूसरी गेंद पर अपनी पसंदीदा स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से चूक गए और विकेट के पीछे महेंद्र धोनी ने गेंद पकड़ते ही अपील शुरू कर दी। हालांकि अंपायर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने सूर्य कुमार यादव को नॉट आउट दे दिया। दोस्तों अंपायर की ना के बाद धोनी ने भी DRS ले लिया, फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हुआ और फैंस झूमने पर मजबूर हो गए। दोस्तों टीवी रिप्ले में साफ साफ देखा जा सकता था कि सूर्य कुमार के ग्लव से गेंद टच होकर धोनी के दस्तानों में गई थी और इस कारण अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और एक बार फिर से धोनी रिव्यू सिस्टम के आगे अंपायर भी फेल हो गए। दोस्तों इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और फैंस धोनी के इस रिव्यू की काफी तारीफ और सराहना कर रहे हैं। वहीं अगर इस मैच की बात करें तो 158 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी CSK की टीम ने अपना पहला विकेट तो बहुत जल्द जीरो पर ही गंवा दिया, लेकिन इस सीजन में अपनी पहला मैच खेल रहा अजिंक्य रहाणे ने तो गदर मचा दिया। उन्होंने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और 19 गेंदों में 50 बना डाला और इसी सीजन में सबसे तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। और CSK की टीम ने 17.3 ओवर में मुंबई खिलाफ जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों IPL से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और धोनी के DRS के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।